हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 57 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करेंगे। ये सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है अभी तक आप लोगों को, लेकिन आज इस वीडियो के बाद आप लोगों की जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, वो ख़त्म हो जाएगी। बेसिकली अब जो है इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली है। तो देखो, ये कोर्ट को पावर देता है ये वाला सेक्शन कि आप जो है प्रॉपर्टी को एनकम्ब्रेंस से जो है उसको फ्री कर दें और फिर उसकी सेल ताकि हम एग्जीक्यूट कर सकें। मतलब कोर्ट जो है वो डिक्लेयर कर दे किसी भी प्रॉपर्टी को एनकम्ब्रेंस से फ्री। एनकम्ब्रेंस का क्या मतलब होता है? बहुत ही भारी वर्ड है लेकिन बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है इसका। एनकम्ब्रेंस का मतलब होता है प्रॉपर्टी पर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज ना रहे, या हम कह लें कि मॉर्गेज ना रहे प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके का कोई भार ना हो। अगर हिंदी में कहे तो किसी भी तरीके का कोई भार ना हो प्रॉपर्टी के ऊपर, तो कोर्ट जो है वो डिक्लेयर कर सकती है। किस तरीके से करेगी, कौन से कोर्ट के पास इस तरीके से प्रॉपर्टी को फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंस करने का ज्यूरिसडिक्शन है, वो सब इस सेक्शन में बताया हुआ है। तो इस सेक्शन को हम लोग सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे, मतलब क्लॉज ए क्लॉज बी ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पीछे से शुरू करेंगे सेक्शन को पढ़ना ताकि ये आसानी से समझ में आए। देखो, क्लॉज ई सबसे पहले पढ़ते हैं। क्लॉज ई कहता है कि तीन कोर्ट्स के पास ज्यूरिसडिक्शन है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ऐसा कोर्ट जिसको स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये तीन कोर्ट्स हो गए। फिर उसके बाद जो इसका क्लॉज डी है वो कहता है कि जो भी डिक्री है, ऑर्डर है, डायरेक्शन है, इस वाले सेक्शन 57 में अगर कोई भी रिलेटेड डिक्री, ऑर्डर या डायरेक्शन आता है तो वो अपीलेबल होगा, हम उसकी अपील कर सकेंगे। अब क्लॉज सी में क्या लिखा है? क्लॉज सी में ये लिखा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी को कोर्ट ने एनकम्ब्रेंस फ्री कर दिया है, उसके ऊपर से जो भी भार था उसे हटा दिया गया है, तो पेमेंट करेगा कोर्ट में। कौन पेमेंट करेगा? जिसकी प्रॉपर्टी पर भार था, भाई ऑब्वियस सी बात है ना, वो कोर्ट में पेमेंट करेगा। अब ये जो पेमेंट होती है कोर्ट में, ये कौन किस चीज पे डिपेंड करेगी? सम चार्ज्ड ऑन द प्रॉपर्टी। इट डिपेंड्स अपॉन द सम चार्ज्ड ऑन प्रॉपर्टी। वो सम भी दो तरीके से डिवाइड होता है, जो कि एक सबसेक्शन 1 में बताया है और एक सबसेक्शन 2 में बताया है। अब हम लोग सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये क्या कहता है। देखो, सबसेक्शन 1 पे आ जाओ सब लोग। इन केस ऑफ एन एनुअल और मंथली सम चार्ज्ड ऑन द प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी पर एनुअली या मंथली सम चार्ज हुआ है, और ऑफ कैपिटल सम चार्ज्ड ऑन अ डिटरमिनेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ सच अमाउंट एज व्हेन इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द कोर्ट कंसिडर्स विल बी सफिशिएंट बाय मींस ऑफ द इंटरेस्ट देयर ऑफ टू कीप डाउन और अदरवाइज प्रोवाइड फॉर दैट चार्ज। अगर उस प्रॉपर्टी पर एनुअली या मंथली सम चार्ज किया गया है, हमने क्या देखा, फिर से एक बार समझो ये वाला पॉइंट। हमने देखा कि कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंस हो गई है प्रॉपर्टी, हम डिक्लेयर कर रहे हैं दैट दिस इज फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंस, लेकिन उससे पहले आपको कोर्ट में पेमेंट करनी पड़ेगी। वो पेमेंट क्या होगी, अब ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि पेमेंट करनी पड़ेगी, भाई कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी ये भी तो बताओ। तो ये चीज किस पर डिपेंड करती है कि क्या सम चार्ज्ड है उस प्रॉपर्टी पर। तो अगर वो प्रॉपर्टी एनुअली या मंथली सम चार्ज्ड पे है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में हम जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जितना पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते थे, उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में हम जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा, उतना जो है आपको पैसा अमाउंट जमा करना है, उतना पेमेंट आपको करना है कोर्ट में। ठीक, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या होगी, अदर केसेस अगर हैं तो जो भी सफिशिएंट अमाउंट है वो जमा कर दीजिए। अगर कोई दूसरा केस है इस केस के अलावा, एनुअली मंथली के अलावा अगर कोई दूसरा केस है, तो आप सफिशिएंट अमाउंट जमा कर दीजिए। अब ये जो ऑरेंज से मैंने इसको मार्क किया है, इसको यहाँ से कनेक्ट करके समझो, क्योंकि यहाँ पे मैंने कलर कोडिंग करी है, ये इससे रिलेटेड है। किससे? इससे रिलेटेड है, एक सेकेंड, इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो कोर्ट ने ये, सॉरी, इस सेक्शन ने ये कहा कि अगर ये वाला पॉइंट है, अगर एनुअली मंथली वाला पॉइंट है, तो कोर्ट जो है एडिशनल अमाउंट भी मांग सकती है। कोर्ट जो है वो एडिशनल अमाउंट भी मांग सकती है, लेकिन वो एडिशनल अमाउंट 1/10 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा, 1/10 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट से एक्सीड नहीं करेगा। ये जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, कि कितने अमाउंट से वो एक्सीड नहीं करेगा, तो 1/10 अमाउंट से, ओरिजिनल अमाउंट से वो एक्सीड नहीं करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? फिर उसके बाद क्या है, क्लॉज बी कहता है कि नोटिस दिया जाएगा बायर को, जो खरीद रहा है उसको भी तो नोटिस दो कि ठीक है तुम्हारी जो प्रॉपर्टी जो तुम खरीदना चाह रहे थे उसको, उसके ऊपर से जो भी भार था, जो भी एनकम्ब्रेंस थे, हमने उसको हटा दिया है। लेकिन नोटिस कब दिया जाएगा? जब पेमेंट हो जाएगा कोर्ट में। ठीक है, एक मिनट रुको। आफ्टर नोटिस पेमेंट इन कोर्ट, नोटिस देने के बाद जो है आपको कोर्ट में पेमेंट करना है। नोटिस देने के बाद जो है आपको कोर्ट में पेमेंट करना है। अगर आप क्लॉज बी देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एंड आफ्टर नोटिस टू द इनकम्ब्रेंस। ठीक है, तो आफ्टर नोटिस जो है आपको कोर्ट में पेमेंट करना है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सेक्शन में क्या बताया है। सेक्शन में हमें बताया है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो डिक्लेयर करेगी किसी भी प्रॉपर्टी को फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंस और उसको सेल के लिए जो है, ताकि हम सेल के लिए उसको एग्जीक्यूट कर सके। तीन कोर्ट इसमें बताएगा, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कोर्ट जो स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। इसके सेक्शन में, सेक्शन 57 में कोई भी अगर डिक्री वगैरह आएगा, ऑर्डर वगैरह आएगा, तो हम उसके उसको लेकर के अपील कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है ये फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंस है, तो भाई जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है वो कोर्ट में पेमेंट करे। ठीक है, जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो उस कोर्ट में पेमेंट करे। और पेमेंट किस तरीके से होगी? जो प्रॉपर्टी पर सम चार्ज है, अगर एनुअली और मंथली सम चार्ज है तो ऐसे पेमेंट करना है जितना हम सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करते और उसका इंटरेस्ट जितना आता, उस तरीके का हमें पेमेंट करना है। और अगर कोई दूसरे केसेस है तो सफिशेंट अमाउंट आप दे दीजिए बस। और यहीं से हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अगर पहला वाला चीज हो रहा है एनुअली और मंथली अगर पेमेंट हो रहा है तो एनुअली और मंथली अगर सम चार्ज हो रहा है तो एडिशनल अमाउंट भी कोर्ट लगा सकता है, लेकिन वो एडिशनल अमाउंट 1/10 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट से एक्सीड कभी भी नहीं करेगा। नोटिस देना है बायर को और नोटिस के बाद जो है आप कोर्ट में पेमेंट करिए जितना भी पेमेंट आपके ऊपर लगाया गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।